नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ढाकर। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। जनपद के मझला थाना क्षेत्र के ग्राम गंगूपुरवा निवासी आशीष कुमार पुत्र महेंद्र पाल, जो पत्रकार हैं और राष्ट्रीय पत्रकार संरक्षण परिषद भारत जनपद हरदोई की तहसील शाहबाद संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त हैं। ग्राम पंचायत एलिमपुर के ग्राम प्रधान राजवीर के द्वारा सीसी सड़क गांव में बनवाई जा रही थी, जिसमें नौनिहाल छोटे छोटे बच्चों के द्वारा कार्य कराया जा रहा था। ग्रामीणों की सूचना पर पत्रकार आशीष कुमार दिनांक 12 जुलाई 2022 लगभग 5 बजे न्यूज़ कवरेज करने गए। जैसे ही ये खबर ग्राम प्रधान राजवीर व उनके अन्य भाइयों को लगी तो वह सभी आग बबूला हो गए और पत्रकार को गाली गलौज करने लगे, जिस पर पत्रकार ने कहा कि आपके द्वारा छोटे छोटे बच्चों से कार्य करवाया जा रहा है, ये गलत है। जिस पर प्रधान व उसके भाइयों ने गाली गलौज व मारपीट करने लगे और मोबाइल भी छीन लिया, लेकिन ग्रामीणों की मदद से मोबाइल वापस मिल गया। वहीं भानु सिंह पुत्र रामशरण सिंह ने विरोध किया तो उक्त लोगों ने उसके साथ भी मारपीट की। पत्रकार ने तत्काल राष्ट्रीय पत्रकार संरक्षण परिषद भारत जनपद हरदोई के जिला अध्यक्ष सत्यपाल सिंह को फोन के द्वारा अवगत कराया तो जिलाध्यक्ष ने तत्काल स्वयं व संगठन के अन्य पदाधिकारियों ने थानाध्यक्ष मझला से फोन पर वार्ता की तो थानाध्यक्ष व बाहर थे। उन्होंने कहा कि मैं सुबह आता हूं और विधिक कार्यवाही करूंगा। आज राष्ट्रीय पत्रकार संरक्षण परिषद भारत के संस्थापक आरसी शर्मा निरंकारी अधिवक्ता उच्च न्यायालय के कुशल मार्गदर्शन में एवं पुलिस अधीक्षक हरदोई राजेश द्विवेदी के निर्देशन पर थानाध्यक्ष मझला धर्मदास सिद्धार्थ ने तत्परता दिखाते हुए पत्रकार के ऊपर हुए जुल्म के खिलाफ तत्काल मुकदमा पंजीकृत कराया। संगठन के जिला अध्यक्ष सत्यपाल सिंह ने बताया, किसी भी पत्रकार पर चाहे वह कितना भी बड़ा माफिया हो, संगठन से जुड़ा हमारा पत्रकार भाई है और हमारा संगठन उसके साथ चट्टान की तरह खड़ा है और अपने भाई की हर संभव मदद की जाएगी। जीबीएन 24 न्यूज़ के लिए पुनीत सिंह पटेल की रिपोर्ट। देखिए, सिंगवा का राजवीर प्रधान यहाँ कोई कार्य नहीं करा रहे हैं। देखिए, यहाँ सफाई भी बिल्कुल नहीं हो रही है और कोई भी काम नहीं हो रहा है। काम जो सफाई कर्मी है उनसे पैसे ले रहे हैं और कोई काम ही कोई लेबर नहीं भेजते, ना स्वयं अपने आप साफ करने आते हैं यहाँ पे। उनसे उनको उधर सफाई मैं करता हूँ, कोई सफाई कर्मी नहीं आ रहा है। पैसा का तो प्रधान क्या बोल रहा है, हम हाँ सफाई हम करते हैं, हमारे कोई ना साफ करना पूरा उदाहरण करा, कोई भी नहीं जाते बेचारे, अंत की जमादार आते हैं, कोई कहाँ जहाँ पे हवा जमा रहेगा, भाई ही नहीं चलिए